बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी ब्लेस्ड। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हूँ एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट PGI चंडीगढ़ में। एज ए यूरोलॉजिस्ट मेरा काम होता है जेनिटोरिनरी मैलिग्नेंसी को ट्रीट करना, जैसे प्रोस्टेट कैंसर, किडनी कैंसर, ब्लडर कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर जो है एक बहुत ही कॉमन प्रोस्टेट मैलिग्नेंसी है जो पुरुषों में होता है और 50 साल से ऊपर के लोगों में डेथ का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। ये 50 साल से ऊपर के लोगों में होने वाले कैंसर में सबसे प्रमुख स्थान प्रोस्टेट कैंसर को दिया गया है। ये प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्शन इंडिया में काफ़ी लेट होता है। आप पूछेंगे ये प्रोस्टेट कैंसर होता क्या है। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो कि पुरुषों में होता है। ये ग्लैंड का साइज 50 साल के ऊपर के लोगों में बढ़ जाता है और उसमें कैंसर होने की संभावना बढ़ती जाती है। ये कैंसर जब अर्ली स्टेज में होता है तो रोबोट के द्वारा मैं सर्जरी करके या और भी यूरोलॉजिस्ट रोबोट के द्वारा सर्जरी करके प्रोस्टेट कैंसर के ग्लैंड को बिल्कुल जड़ से हटा देते हैं। इस प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट बचाव पे मैंने 4-5 वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। ये छोटा सा वीडियो है जस्ट अवेयर करने के लिए कि आपको पेशाब की कोई भी दिक्कत हो तो PSA का टेस्ट ज़रूर कराएं और किसी यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिले। ये प्रोस्टेट ग्लैंड पेशाब के थैली, ये ब्लैडर है, उसके निचले हिस्से में ये ग्लैंड होता है। इसका महत्वपूर्ण काम होता है सेक्स से रिलेटेड एंड फर्टिलिटी से रिलेटेड। और जब इसमें कैंसर जब डेवलप होता है तो अर्ली स्टेज में आप ये सर्जरी करके इस ग्लैंड को बिल्कुल निकाल देते हैं। रोबोटिक सर्जरी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे YouTube पे जाके। प्रोस्टेट कैंसर से बचाव के लिए भी वीडियो है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए रोबोटिक सर्जरी की भी वीडियो है। और जब प्रोस्टेट कैंसर एडवांस होता है, फैली हुई स्टेज में आती है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके भी इलाज की वीडियो है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर 50 से ऊपर के पुरुषों में हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बार बार पेशाब आना, रुक रुक के पेशाब आना, पेशाब की फ्लो कम हो जाना, अर्जेंट यूरिनेशन, मतलब आपको कभी भाग के पेशाब करने जाना पड़ेगा नहीं तो पेशाब निकल जाएगी, कभी कभी यूरिन ड्रिबल हो जाना, कभी पेशाब में खून आ जाना, कभी पेशाब में इन्फेक्शन होना और पेशाब में रुकावट फीलिंग होना, हेसिटेंसी फीलिंग होना, या रात में बार बार पेशाब आना। जब ऐसे कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम हो सकता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम दो तरह का होता है, एक कैंसरस होता है, एक नॉन कैंसरस होता है। दोनों का इलाज डिफरेंट है, ये ज़रूर आप इंक्वायर कर लें कि वेदर ये प्रोस्टेट कैंसर है या सिंपल इनलार्जमेंट है। प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस करने के लिए टेस्ट होता है जिसे PSA टेस्ट कहते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, एक ब्लड का टेस्ट होता है। यदि PSA बढ़ी हुई रहती है तो प्रोस्टेट ग्लैंड की बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है। यूरोलॉजिस्ट फिंगर से देखते हैं, जांच करते हैं, लेकिन प्रोस्टेट के इलाज से पहले जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं पेशाब की सिम्टम्स के लिए, उसका इलाज करने से पहले PSA ज़रूर कराएं, नहीं तो आपकी सिम्टम्स तो इम्प्रूव हो जाएंगी लेकिन कैंसर बढ़ती रहेगी। तो इसका इलाज रोबोटिक्स, अर्ली स्टेज में रोबोटिक सर्जरी के द्वारा है, लेट स्टेज में इलाज का कॉस्ट बढ़ जाता है। ये शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैल जाता है, मोस्टली हड्डी में और लिम्फ नोड में, बोन में और बैक बोन में फैलता है।
इसके लिए हमने 3-4 वीडियो बना रखी है जिसे आप देख के अपने को अवेयर कर सकते हैं। स्केयर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी ब्लेस्ड। थैंक यू।